मॉर्निंग, सुप्रभात राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और नहा के किचन में आ चुके हैं और आज हमने पहनी है हरी हरी साड़ी क्योंकि आज है दिन शुक्रवार तारीख 13 और 13 अगस्त है। आज है नाग पंचमी, बिंदी भी हमने हरी लगाई है। सोचा सावन आया है, कम से कम आज नाग पंचमी के दिन तो हरी साड़ी पहन ही लेते हैं। मेहंदी लगाई है, ऐसे देख सकते हैं, सिंपल सी है क्योंकि मेरे घर में मेहंदी लगाने वाला कोई था नहीं। गौरी को आता नहीं, गोलू तो गोली ही है और मैंने अपने हाथों से ही लगा ली थी, दोनों हाथ में, अपने खुद के हाथों से, खुद के हाथों में खुद से ही मेहंदी लगाई है। और सुबह के 10:30 बज रहे हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ नाश्ता बन रहा है क्योंकि नाग पंचमी के दिन चना या मटर से बनी हुई घुघरी या फिर छोला खाते हैं हमारे यहाँ, तो वही बस हमने घुघरी छोंक दी है। घुघरी बन जाएगी, सब लोग एक बार खा लेंगे। चाय तो पहले ही सुबह पी चुके हैं, घुघरी खाएंगे, उसके बाद जो कि दोपहर में जो कुछ लंच बनेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाने में ही 10:30 बज चुके हैं। तो सबसे पहले सबको घुघरी बना के दे देते हैं, सब लोग खा लेते हैं, उसके बाद जो लंच रूटीन हमारा रहेगा नाग पंचमी वाला लंच जो बनाएंगे आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ज्यादा कुछ तैयारी हमने नहीं करके रखी है, सिर्फ दो ही चीज बनाएंगे और वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ भी हमारी घुघरी तैयार हो चुकी है, बस अब हम लोग घुघरी को खाएंगे। चना मटर की मिक्स घुघरी हमने बनाई थी, हमने सोचा चना मटर दोनों खाया जाता है तो क्यों ना दोनों मिक्स करके बनाते हैं। तो घुघरी तैयार हो चुकी है, जिसको पसंद है आज ये खा ले। अब यहाँ पे हम मसाले बनाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले अदरक लहसुन हरी मिर्च टमाटर को मोटे मोटे टुकड़े में कट किया है, इसका पेस्ट बनाना है इसलिए हमने मोटे मोटे टुकड़े में काट लिया है। ग्राइंडर में इसको भर के रख दिया है और यहाँ पर हमने धुली उड़द की दाल रात भर भिगो के रख दिया था क्योंकि आज मुझे कचौड़ियाँ बनानी है उड़द दाल की। तो देख सकते हैं ये धुली उड़द की दाल है, इसमें छिलका एक भी नहीं है, इसको रात भर भिगोया है, अच्छे से पानी निकाल के इसको ग्राइंडर में डाल रहे हैं और इसको भी ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्यूरी बना ली थी, उसके बाद ये दाल को ग्राइंड किया है। दाल में पानी नहीं डाल के ग्राइंड करना होता है, यानी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ता, ड्राई ही इसको पीसना होता है, तो पीसती नहीं है दाल अच्छे से, इसलिए इसको बीच बीच में चम्मच से चलाना होता है। दाल को दरदरा ही पीसना है, जो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो यहाँ पे हमने 2-3 बार इसको चम्मच से चलाया, उसके बाद ये देखिए हमारी दाल पीस के रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मतलब मीडियम में है, ना बहुत पतला है, मतलब ना बहुत बारीक है, ना बहुत ज़्यादा दरदरा है। तो दाल को सारी हमने एक प्लेट में निकाल ली है, अब आपको दिखाते हैं नज़दीक से कितनी कैसी दाल हमने तैयार की है। एकदम ऐसी ही दाल होती है कचौड़ियों के लिए। तो सबसे पहले हम मसाला ले लेते हैं, यहाँ पर हल्दी ले रहे हैं, 2 प्लेट ली है हमने, दोनों में सेम मसाला ले लिया, हल्दी ले लिया है, सब्जी मसाला ले लिया है, किचन किंग ले लिया है, सूखा धनिया पाउडर ले लिया है और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, अमचूर पाउडर ले लिया है। तो मसाला हमारा रेडी है, चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, तेल डाला है, हींग का तड़का लगाया है, उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्ची को कूट करके रखा है, खलबत्ते से हमने कूटा है, ताज़ा फ्रेश दरदरा, और उसके बाद जो सूखे मसाले हमने लिए थे उसको भी कढ़ाई में डाल दिया है। तो मसाले को बस 1 मिनट ही फ्राई करना है तेल में। ये देखिए मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब जो हमने दाल तैयार की थी पीस के, उस दाल को इसमें अच्छे से भून लेना है। भूनने से क्या होता है, हमारी दाल अच्छे से पक जाती है और एक बढ़िया सा इसमें टेस्टी हो जाता है, जब हम खाते हैं तो फीका फीका नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो दाल को आपको इतना भूनना है कि ये इस तरीके से हो जाए, यानी ड्राई ड्राई हो जाए दाल, और उसका कलर भी बदल चुका है, यानी इसको खूब अच्छे से हमने फ्राई किया है, भुनाई की है। अब हम आटा गूंथ लेते हैं कचौड़ी के लिए, जब तक हमारी दाल ठंडी होती है। तो यहाँ पे आटा हमने आधा मैदा लिया है, आधा गेहूं का आटा, उसमें अजवाइन डाल दिया है और नमक डाल दिया है। मोयन के लिए हमने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है, आप घी भी डाल सकती हैं, तेल भी डाल सकती हैं। तो सभी को अच्छे से मिक्स करना है, नमक और रिफाइंड को, मोयन को और जो हमने अजवाइन डाला था, तीनों को अच्छे से, हाथ दुखने लगता है भाई, अच्छा खाना खाना है, क्रिस्पी खाना खाना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अच्छे से मोयन को लगाना है। देखिए जब मुट्ठी बनने लगे तो जानिए कि आपका आटा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम पानी डाल के अच्छे से आटा तैयार कर लेते हैं।
कचौड़ियों के लिए आटा जो होता है बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। अगर आपकी कचौड़ियों का आटा टाइट नहीं रहेगा तो फिर पूरियां बन जाएंगी, फूलेंगी नहीं। तो आटा हमारा गूंद चुका है, थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथ में इसको अच्छे से मसल देना है ताकि हमारा आटा सूखे नहीं। और आटा देख सकते हैं कितना ज़्यादा सख्त है, मुलायम नहीं है। इसको एक भगोने में ढक के रखा ताकि पापड़ी ना बने ऊपर से। फिर से वही हमने कढ़ाई धुली है, अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तेल डाला है तड़के में, जीरा, और वो जीरा डाला था, कड़ी पत्ता, राई दाना, और उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था सब कुछ, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, वो डाला है। सूखे मसाले हमने डाल दिए हैं। उसके बाद से जो क्लिप बनाई थी वो आगे नहीं शूट कर पाए क्योंकि मुझे बात करने लगे थे फ़ोन से। तो बस मसाले को अच्छे से भूना, उसके बाद इसमें आलू डाल दिया था, गर्म पानी डाल दिया था। ये देखिए इसमें पानी और आलू डाल के अच्छे से अब हम सब्जी को बलकने देते हैं, यानी खोलने देते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डाला है, मीडियम में। पकने के बाद सब्जी और गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि आलू की सब्जी बाद में ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। सो फ्रेंड, अभी बच चुके हैं दोपहर के 12:30। अब जाके मेरी सब्जी में हमने पानी डाला है और उसमें एक उबाल आएगा तब जाके सब्जी बनेगी। सब्जी की रेसिपी बीच में रुक गई क्योंकि बीच में मेरी मामी का फोन आ गया था तो बात करने लगे, तो सॉरी। बस आलू को भूना था और उसमें पानी गरम गरम डाल दिया था और नमक डाल दिया था, बस सब्जी को रख दिया है खौल आने के लिए। खौल आ जाएगा तो पक जाएगी। धनिया की पत्ती आज है नहीं कि डालेंगे, बस हमारी आलू की सब्जी सिंपल सी तैयार हो जाएगी। बस अब हम कचौरियां बनाना शुरू करते हैं दूसरी तरफ फटाफट से। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, 12:30, सबको भूख लगी है जोरों की, और फटाफट से कचौड़ियां बनाते हैं, सबको खाना देते हैं। क्योंकि जब तक हम कचौड़ियां बनाने की तैयारी करेंगे तब तक हमारी सब्जी पक के रेडी हो जाएगी। उबली हुई आलू है, गर्म पानी हमने डाला है, बस मसाले को भूना था, तो फटाफट से सब्जी तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले हम कचौड़ियां बनाना शुरू करते हैं। ये अब हम कचौड़ियां बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमने पेड़े काट लिए हैं लोई मीडियम साइज की, उतनी। ये देखिए दो कचौड़ी हमने बना भी ली है, अब आपको बताते हैं। ये लिया है हमने एक कचौड़ी का रोल, उसमें हमने कचौड़ी का जो पिट्ठी था भरावन तैयार किया था उसको भर दिया है अंगूठे से दबा के, इस तरीके से देख सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है सेम उसी तरीके से आप दबा दें उसको, अच्छे से रोल करें और हाथ से ही आप बेल लें या फिर बेलन से भी बेल सकती हैं। तो इस तरीके से हमने सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब हम फ्राई करते हैं कचौड़ियों को। तेल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, एकदम से हल्का गर्म है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे तेल तो कचौड़ियाँ फूलेंगी नहीं, एकदम से उसी में जैसे जल जाएंगी। आप कचौड़ी को खूब धीमी धीमी आंच पे सेकें, देख सकते हैं कितनी अच्छे से फूली हैं, कितनी अच्छे से फट गई हैं कचौड़ियाँ, क्रिस्पी हो गई हैं। तो हम सारी कचौड़ियों को निकाल लेते हैं और अब प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम आलू की सब्जी यहाँ पे रखेंगे और एकदम पत्तल लोना हमारा निकल चुका है, बस कचौड़ियाँ लगा देंगे। तो आज की हमारे खाने में बनी थी आलू की सब्जी कचौड़ी। लग चुकी है हमारी कचौड़ी और आलू की सब्जी। आज हमने पत्तल दोना निकाला है, आज पत्तल दोना में खाने का मन हो रहा था, ये पत्तल दोना रखा हुआ था तो हमने सोचा चलो आज इसी में खाते हैं। सब लोग खाना खा चुके हैं और आप लोग खाना खा लीजिए, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बना है, इतना ज्यादा क्या ही बताएं आपको। ये लीजिए आप लोग खाना खा लीजिए, इतना ज्यादा क्रिस्पी बना है, क्या बताएं, बहुत ज्यादा यम्मी है। खा लेते हैं खाना, उसके बाद बात करते हैं आप लोगों से। जैसे लग रहा है ना जैसे कहीं बाहर खा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है घर का बना हुआ। मेहनत तो बहुत लगी, सुबह से लगे हुए थे, लेकिन खाने में भी जो स्वाद है ना, सारी मेहनत जो है, लग रहा है कि सफल हो गई हमारी मेहनत, इतना ज्यादा स्वाद आया। चुके हैं दोपहर के 3 और सारा हमने किचन साफ कर दिया है। किचन साफ करते करते ये देखिए पूरा जिसमें हमने पूड़ी उड़ी फ्राई की थी सारी कढ़ाई निकाल के अच्छे से रगड़ के धुल दी है। हमने सोचा आज सब कुछ अच्छे से साफ कर देते हैं, किचन भी साफ कर दिया क्योंकि शाम के टाइम खाना बनाना है नहीं।
बिल्कुल फ्री हैं। खाना बनाते बनाते एकदम से मन भर गया था, बस थोड़ी सी दो कचौड़ी खाए और बहुत ज्यादा थक भी चुके हैं। अब यही मन हो रहा है कि बस 2-3 घंटे आराम से सो जाएं और गहरी वाली नींद में, मतलब जिससे थकान चली जाए। और बोली तक भी नहीं आ रही है, थोड़ा सा वीडियो में आज हमने नहीं शूट कर पाए आलू और मसाला दिखाते हुए, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि फोन आ गया था बीच में। तो आज की इस वीडियो का यहीं पे करेंगे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रतिमाज ब्लॉग गोरखपुर। बाय बाय, गुड नाइट। थोड़ा से जोर लगा के आप लोग सपोर्ट कीजिए, अभी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक को बढ़ाइए। आप लोग देखते तो हैं, अच्छा लगता है, लेकिन लाइक कीजिए, ढेर सारा लाइक कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें प्लीज। आधे से ज्यादा लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब करे ही देखते हैं वीडियो, तो आप लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।